और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जबलपुर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में अपनी बात रख रहे हैं। अभिलाष पांडे जी, रंजीत पटेल जी, प्रभात साहू जी, बहन श्रीमती स्वाति जी, मंचासीन वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं। संस्कार धानी आज यहां आने के पहले मैं दो स्थानों पर गया, एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैन, आप सब जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी जबलपुर जेल में रहे थे, 6 महीना 25 दिन से ज्यादा रहे। जेल के इस बैरिक में जाके उनको प्रणाम किया और बैरिक में हमने देखा हथकड़ियां, बेड़ियां, हाथ से चलाने वाले कोलू, उन गाड़ियों के पहिए भी थे जिसमें जेल में सामान आता था खाने का, सिलबट्टा कूटने के और पीसने के अनेकों सामान, और फांसी के पहले जिससे रिहर्सल करते हैं लकड़ी का पुतला, वो भी देखा, संभाल के वो चीजें रखी गई। नेताजी से जबलपुर की कई स्मृतियां जुड़ी है। आज मेरे मन में यह आया कि उसी जेल में जाने का एक अलग द्वार बना के नेताजी जिस बैरिक में रहे, ठीक वैसे ही जैसे अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्र वीर सावरकर सेल्वर जेल में रहे थे, तो उनकी स्मृतियां सजा के रखी है, नेताजी की स्मृतियां भी वहां सजा के रखी जाए, एक चित्र प्रदर्शनी बने जो जन्म से लेकर और अंतिम समय तक, अंतिम समय तो किसी को पता नहीं क्योंकि विवाद है कि विमान में जब वो बैठे थे उस समय विमान दुर्घटना में वो गए कि नहीं गए, लेकिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को सजो के रखा जाए। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को दर्शाए। नेताजी आपके चरणों में प्रणाम, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बक्स में खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। और इसलिए शहीदों की स्मृतियां हमें प्रेरणा देती रहे, इसलिए पूजा जरूरी है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। नेताजी आपने जो किया वो अद्भुत, यही जबलपुर की धरती साक्षी इस बात की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने लोकप्रिय थे। यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा के 230 वोटों से हरा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और तब कमानिया गेट से एक विशाल जुलूस निकला था, नेताजी थोड़े अस्वस्थ थे, वो नहीं बैठ पाए थे गाड़ी में, तो उनके चित्र को लगा के और जबलपुर के नौजवानों ने उनका जुलूस निकाला था। गांधी जी से मतभेद होने के कारण बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी, और जब उनको लगा कि केवल अहिंसक आंदोलन से अंग्रेज वापस नहीं जा सकते, भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां अगर काटना है तो अंग्रेजों को भगाने के लिए सेना भी बनानी पड़ेगी, तो आजाद हिंद फौज विदेशों में जाके बना दी नेताजी ने। कितनी कठिनाइयों से कलकत्ता के अपने घर से
वेश बदल के निकले और उसके बाद आज इसे पाकिस्तान कहते हैं, भारत का जो अभिन्न अंग है, वहां से होते हुए काबुल पहुंचे और काबुल से निकल के फिर वो जर्मनी पहुंचे, वो हिटलर से मिले, स्टालिन से मिले और उन्होंने वह संकल्प लिया कि मैं आजाद हिंद फौज बनाऊंगा, विदेश की धरती पे जाके भारत को आजाद करने के लिए एक फौज खड़ी कर दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्होंने उस समय मंत्र दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, अरे जोर से बोलो, मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी की आवाज अनेकों लोग जिनमें भारतीय सैनिक भी थे जो पहले अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और जिस सभा में वो बोले थे सिंगापुर में, जनता जनार्दन के पास जो कुछ था आजाद हिंद फौज के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। बहनों ने अपने गहने उतार उतार के भेंट कर दिए थे कि नेताजी लड़ो देश की आजादी की लड़ाई। और 1947 से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के एक हिस्से को आजाद करवा के मणिपुर में भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उनके साहस को प्रणाम। और सच में एक ही संकल्प आता है कि जिस उद्देश्य से उन्होंने आजादी प्राप्त की उस उद्देश्य से पूरा करने के लिए हम अपने आप को समर्पित कर दें। आज एक तो नेताजी के दर्शन करके आए और एक में अशोक के घर गया, गरीब अशोक रोहाणी जी के घर नहीं, अशोक ट्रक ड्राइवर, गरीब परिवार से आता है। मैंने उनके घर जाकर चाय पी, नाश्ता किया और वो केवल कर्मकांड नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की सरकार पे, मध्य प्रदेश के खजाने पर सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वो मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों का। सरकार सबकी है, प्रगति भी करेंगे, विकास भी करेंगे। आज जबलपुर इसलिए आया हूं और इस धरती से संदेश देने आया हूं कि जबलपुर के विकास में कसर नहीं रहने दूंगा। जबलपुर हो, महाकौशल हो, आज मैं यहां से ऐसे नहीं जाऊंगा। आज जबलपुर के विकास का प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके बाद 3 साल विकास की योजना जबलपुर की बना के जबलपुर की धरती से जाऊंगा। यह संस्कारधानी है, यह प्रदेश का अद्भुत केंद्र है। और एक तरफ विकास, लेकिन मैं अशोक की बात कर रहा था, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, इस जनता का कल्याण